वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नितिन। कई लोग पूछते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है, राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है। सर, राइट से लेफ्ट देखोगे NITIN, राइट लेफ्ट टू राइट देखोगे तो NITIN, सब जगह से एक जैसा। आज का टॉपिक है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1। यस, पार्टी बिगिंस नाउ। इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। बेसिकली जो चैप्टर का नाम बुक में लिखा हुआ उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए री इशू, पहले इशू लिख दिया फिर री इशू लिख दिया फिर फॉरफीचर। होना ऐसे चाहिए री इशू, फॉरफीचर एंड री इशू, सॉरी इशू, फॉरफीचर एंड री इशू। अब इसका मतलब क्या है, आज की क्लास के अंदर पहले हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फंडामेंटल्स की बात करेंगे। फंडामेंटल्स क्या है? अच्छा, आप में से कई बच्चे लिखते हैं सर बहुत स्लो बोलते हो यार, उम्र भी तो हो रही है कितनी यार, ठीक है ना। आप लोगों की जितनी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है आज की डेट में, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो चलती है। अगर तेज़ तेज़ पढ़ाऊँगा तो आपको कि सर आप तो मूवीज़ के अंदर काम करो, ठीक है, तो हम स्लो स्लो पढ़ेंगे। बात करते हैं फंडामेंटल्स की, इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज पहले डिस्कस करूँगा, मैं अज्यूम ये करता हूँ कि सारे नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने पहले कभी 12th में कंपनी अकाउंट्स नहीं पढ़ा हुआ, हम उस हिसाब से चलेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये हेल्पफुल है तो आप बताते रहना, कमेंट देखो भर देना यार, कमेंट बॉक्स भर देना, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहना और सुपर थैंक्स देते रहना, तो हमारी चैनल की गाड़ी चलती रही खचा खच 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 खच, ठीक है। और अदरवाइज क्या होगा, डीमोटिवेशन तो ऐसे होता है ना कि डीमोटिवेशन तो यूं आता है झटके से। तो इस टॉपिक में अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आज मैं डिस्कशन करूंगा कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में और फिर बताऊंगा कि शेयर्स इशू कैसे होते हैं। एक पर्टिकुलर सेक्शन है सेक्शन 52-53, वो भी पढ़ेंगे हम, कैसे मतलब होता है उस चीज़ का। आज की क्लास 31 मिनट की क्लास होगी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ दिस, एंड देन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज बनाना तो बहुत आसान काम है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहली बात, भैया ये शेयर्स होते क्या है? मैं भैया इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे मुझे नितिन भैया भी लिखते हैं तो नितिन भैया अच्छा लगता है मुझे सुन के, नितिन भैया बताओ, नितिन भैया बताओ, ठीक है। तो शेयर्स होते क्या है? सोचो एक कंपनी है, एक कंपनी को फॉर्मेशंस कैसे होती हैं। आज मैंने अपनी कंपनी खोली, मेरे पास 50,000 रुपये, मैंने कंपनी काम शुरू कर दिया। अब मेरी कंपनी एक्सपेंड कर रही है तो मैं रिश्तेदारों से कहा कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो, तो कहते 2,00,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। अब मेरी कंपनी और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, अब मैंने बैंक से जाकर लोन ले लिया। अब अगर मैं बैंक से जाकर लोन लेता हूँ एक लेवल के बाद, जब मुझे लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मे बी आई एम इन नीड ऑफ 100,000 करोड़ या 1,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, मुझे इतने पैसे रिक्वायरमेंट है कि मैं बैंक से मांगूंगा अगर, तो बैंक का इंटरेस्ट देने में मेरी जान निकल जाएगी। हालांकि लेवरेजिंग कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, जो आपने पढ़ा होगा पहले शायद, लेकिन मुझे वो इंटरेस्ट नहीं देना चाहता मैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी कंपनी जो कि मेरी लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, मैं अपने शेयर्स मतलब अपनी कंपनी की जो पावर है, मतलब मेरी अपनी कंपनी की जो अपनी होल्डिंग है, जितना भी मेरे पास कंपनी है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ कुछ नंबर ऑफ शेयर्स में अपने पूरे कैपिटल को, और लोगों को कहता हूँ कि मेरी कंपनी के ओनर बन जाओ, पार्ट ओनर्स, एंड आई इशू माय शेयर्स शेयर अमंग पब्लिक। उसके लिए वो क्या करते हैं, दे अप्लाई फॉर शेयर्स एंड दे बिकम शेयर होल्डर्स इफ दे गेट अलॉटमेंट। यहाँ तक क्लैरिटी है? तो हम इसमें क्या वर्ड, मैंने क्या क्या यूज़ किया वर्ड, सबसे पहले शेयर्स के साथ हमने एक वर्ड यूज़ किया, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि कंपनी को जब भी शेयर मार्केट में इशू करने होते हैं तो एक एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ता है, वो एडवर्टीजमेंट निकालने के लिए उसको कंपनी को देना पड़ता है प्रोस्पेक्टस, लेके ब्रोशर, उसमें सब कुछ लिखा होता है कंपनी के बारे में, कौन से शेयर हैं, कितने शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं, हर शेयर का प्राइस क्या है, शेयर इशू कैसे हो रहे हैं, एट पार हो रहे हैं, प्रीमियम हो रहे हैं। तो हमें सब बताना पड़ता है कि कंपनी के शेयर्स कौन सी क्वालिटी के शेयर्स हैं, कौन से टाइप के शेयर हैं, सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस देने के बाद लोगों से आती है उसकी एप्लीकेशन। जब लोग कहते हैं कि हाँ जी हमें भी दो, हमें भी दो, हम भी शेयर लेंगे, हम भी आप कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, जैसे आज की डेट में लोग क्या करते हैं, टाटा की जितनी कंपनी, टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, टाटा पावर या रिलायंस पावर, रिलायंस पावर चलो मर्जी, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंस, आप कंपनीज का नाम सोचो दिमाग में कितनी सारी कंपनीज हैं, इन सब कंपनी के लोग शेयर मांगना चाहते हैं, हमें शेयर दे दो, हमें शेयर दे दो। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो एक सेकेंडरी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे वो
शेयर मार्केट के अंदर डेली खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद के रख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाद में खरीद रहे हैं। हम उस मार्केट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस मार्केट की जहां पे मार्केट में शेयर इशू हुआ है, विच वी कॉल एज IPO, जो मेरे को पहले लिखना था यहां पे, ठीक है। IPO, व्हाट इज IPO? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि मुझे 2000 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन ये मेरे को टोटल कैपिटल है जो मुझे टाइम टू टाइम चाहिए, लेकिन अभी इमीडिएटली 2000 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे फिलहाल रिक्वायरमेंट है 500 करोड़ की। तो मैंने क्या किया, 500 करोड़ के लिए मार्केट में IPO लॉन्च कर दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया, लोगों को बता दिया ये डेडलाइन है, ये लास्ट डेट है, ये मार्केट रेट है। कुछ सुना होगा ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसे कुछ होता है, वो सब हमने बता दिया, और अब आपको इसको खरीदना है नहीं खरीदना आपके ऊपर है, यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस कंपनी और नॉट। और आज की डेट में जो शेयर मार्केट की अवेयरनेस है, बहुत लोग IPO में पैसा लगाते हैं। सर 2000 करोड़ में से 500 करोड़ तो IPO में आया, तो बाकी कहाँ गया? अब अगर कल को मैं इसमें से 500 और इशू करता हूँ 500 करोड़ के शेयर्स, तो दैट विल बी टर्म्ड एज FPO, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो जो पहली कैटेगरी के अंदर, इस कैटेगरी के 2000 करोड़ में से 500 करोड़ मांगे जाएंगे, वो हो गया IPO। अगर दोबारा से इसी में मांगूंगा तो बन जाएगा FPO, ठीक है। तो इसको हटाते हैं जरा, एप्लीकेशन। अब शेयर कितने टाइप के होते हैं? जो हमारे शेयर्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अभी इंडिया में प्रेफरेंस शेयर इशू होने बंद हो गए हैं, अभी इक्विटी शेयर इशू होते हैं। इक्विटी मतलब हो गया परमानेंट कैपिटल, बनना तो बनो, मतलब ये प्रेफरेंस वाले काम मत करो कि प्रेफरेंशियल राइट दो मुझे, ये कंपनी पहले डिविडेंड मुझे को देगी, कंपनी जब खत्म होगी तो पहले मेरा पैसा लौटाएगी, वो सब काम खत्म हो चुके हैं इंडिया में। अब जो कुछ भी है वो इक्विटी शेयर पे ही हम काम करते हैं, तो जहां भी आप नाम सुनोगे वो इक्विटी शेयर का ही नाम सुनोगे, इसके अलावा कुछ नहीं सुनोगे। नंबर फोर्थ, जब हम कंपनी के जब शेयर्स अप्लाई मतलब मार्केट में लॉन्च करते हैं, और जब लोग अप्लाई करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, मैंने 1000 शेयर इशू किए थे इशू, लेकिन जो एप्लीकेशन है ना वो तीन तरीके से आ सकती है। कैसे आ सकती है? या तो वो 1000 शेयर के लिए आ जाए, या वो 1000 से ज्यादा के लिए आ जाए, या वो 1000 से कम के लिए आ जाए। तो अगर वो 1000 इशू किया और 1000 के लिए एप्लीकेशन आई कि हाँ जी मुझे 1000 शेयर दे दो, तो उसको हम बोलते हैं एट पार सब्सक्रिप्शन, मतलब कि जो भी सब्सक्रिप्शन है वो सेम टू सेम आ गया, कि जितना मांगा उतना आ गया। लेकिन अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गई कि मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो, लोगों ने एप्लीकेशन मनी ज्यादा भेज दिया, तो इस केस को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर कम आया तो अंडर सब्सक्रिप्शन। अब मैंने जानबूझ के यहां पे 900 रखा हुआ है, ये 1000 के बदले में 900 रखा हुआ है जानबूझ के, ताकि समझाने के लिए कि आज की डेट में, दिस यू हैव टू बी वेरी वेरी फेमिलियर विद, आज की डेट में सेबी, यू नो सेबी क्या है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन को एलिजिबल किया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कि भैया जो भी लोग सब्सक्राइब करेंगे शेयर्स को, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होना चाहिए, अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम एप्लीकेशन आई है तो आप वो शेयर इशू नहीं करेंगे मार्केट में। एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ इशू। यह आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये कंपलसरी कर दिया है कि अब 90% से कम
मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होगा, इससे कम अगर आपके पास एप्लीकेशन आती है तो वो शेयर मार्केट में लॉन्च नहीं होंगे, आपको दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा, प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो मिनिमम 90% हैज टू बी सब्सक्राइब्ड ऑफ द इशू। तो 1000 शेयर अगर आपने इशू किए हैं तो 900 मैंने इसलिए लिखे तो 90% बन रहा है, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन में काउंट हो जाएगा। इससे कम होगा अगर 800 हुआ, 899 हुआ, 850 हुआ, तो ये शेयर मार्केट में इशू मतलब लॉन्च ही नहीं होंगे, किसी को शेयर नहीं मिलेंगे, सबका पैसा उनको वापस दे दिया जाएगा जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा हमारे लिए शेयर्स के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अब जो शेयर इशू होते हैं इसकी भी दो कंडीशन होती हैं, वैसे तीन पढ़ी हैं आप लोगों ने, कहीं पहले पढ़ी हो तो, एक होती है एट पार, एक होती है प्रीमियम और एक होती है एट डिस्काउंट। पार मतलब क्या होता है कि भाई 100 का शेयर था, मैंने 100 में ही बेचना है मार्केट में, मतलब इस लाइक कि मेरे पास चॉकलेट है 5 रुपए की, मैं 5 रुपए की चॉकलेट 5 में ही बेच रहा हूं, तो एट पार। मैं 5 रुपए की चॉकलेट को 7 रुपए में बेच रहा हूं तो प्रीमियम, खानी हो तो खाओ इतना ही भाव है, ज्यादा की मिलेगी। और एक डिस्काउंट का ऑप्शन कभी हुआ करता था, होता ये था। अब आप लोग क्योंकि बड़े इस लेवल पे आए हैं तो आपको ने सीधा कंपनी अकाउंट 2013 ही पढ़ा होगा जो अमेंडमेंट्स हुई थी। पहले कंपनी अकाउंट्स 1956 जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली उसके हिसाब से चलते, तो कंपनी कैन इशू शेयर एट डिस्काउंट इन कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन अभी कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट आ गया और क्लियर हो गया कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। अगर 100 का शेयर आपने 102 का करना है तो कर सकते हो प्रीमियम पे, लेकिन 100 का शेयर कम पे नहीं बेच सकते आप। लेकिन एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ शेयर है जिसको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर। ये आपके लिए होमवर्क है, गूगल पे सर्च करना कि स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, और जिस जिसको इसका आंसर मिल जाता है कृपया करके दूसरे बच्चों की सहायता करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दें। काइंडली डू नॉट जस्ट गो गूगल पे व्हाट इज यूटी की शेयर, कॉपी पेस्ट सर नंबर बन गए मेरे, मैं नंबर देने वाला कोई नहीं हूं, मैं नॉलेज देना चाहता हूं, और नॉलेज तभी दे पाऊंगा जब आप नॉलेज शेयर करेंगे। टिल दिस पॉइंट क्लियर? अब जो प्रीमियम वाला पार्ट है, प्रीमियम वाला पार्ट आता है सेक्शन 52। इसमें हमें यह सिखाया जाता है, जब इन हैंडआउट्स को हम देखेंगे हम, तो इसमें लिखता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वेयर अ कंपनी इशू शेयर एट ए प्रीमियम वेदर फॉर कैश और अदरवाइज, अ सम इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द अबव शेयर्स शैल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो जो पैसा आपको प्रीमियम का मिलेगा, एक्स्ट्रा 2 रुपए मिला, 5 रुपए मिला एक शेयर के ऊपर, वो सारा का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा और उसको हम यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो पर्पस हम थ्योरी क्लास में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट के लिए सेक्शन 53 आता है जिसने साफ बोला है कि भैया डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, करना है तो सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू कर सकते हो डिस्काउंट पे, इसके अलावा कोई शेयर आप इसको नहीं कर सकते। यहां तक की कहानी क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो रही होगी, तो प्लीज बच्चा लोग बजाओ ताली, ओके, और दे दो सुपर थैंक्स। मैं इसलिए बोलते रहता हूँ आजकल क्योंकि मुझे लगा कि यार एज ए टीचर तो मैं भूखा मर जाऊंगा अगर ऐसे इसी भरोसे चलता रहा तो, ठीक है। तो जस्ट फॉर सपोर्ट पर्पस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने इस भाई को टीचर को आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए, क्योंकि मेरी हेल्प करोगे तो मैं कई बच्चों की हेल्प कर पाता हूँ जिसको जरूरत होती है। एनीवेज, हाँ, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो हम जो इशू करते हैं वो इट कैन बी डन फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने कहा जी मुझे तो पैसे चाहिए, मैं शेयर इशू करूंगा और मुझे उसके बदले पैसे दो, जैसे आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, मुझे पैसे दो उसके बदले। तो हमने कहा ठीक है सर, आप शेयर इशू करो और आपको बैंक में पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, अ
अदर देन कैश भी हो सकता है क्या? हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमने किसी कंपनी से कोई एसेट खरीदी, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा या कुछ भी बड़ी सी एसेट कुछ भी खरीद लिया, वी कॉल इट सन्ड्री एसेट। हमने कोई भी सन्ड्री एसेट खरीदी और उसकी जो पेमेंट करनी है हमको वो हम इश्यू ऑफ शेयर से कर देंगे। अब क्या सर इसमें पार प्रीमियम दोनों एप्लीकेबल हो सकता है? सिर्फ पार होगा, इसमें पार भी एप्लीकेबल हो सकता है, प्रीमियम भी एप्लीकेबल हो सकता है। कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चन करके करेंगे अगली क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास से अभी हम शुरू करेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी समझने की जरूरत क्या है कि अगर हम चाहें तो कैश के बदले भी शेयर इशू कर सकते हैं और हम चाहें तो किसी एसेट के बदले भी हम अपने शेयर्स को इशू मार्केट में कर सकते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? एक बार देखो नोट्स में ऐसा कुछ हो जो कि समझने वाली बात होती हो तो, क्योंकि कुछ चीज़ें हम जब जनरल एंट्रेंस करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है सर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर रीइशू शेयर? अब रीइशू और फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? अब ये डिस्कशन चल रहा है, सुनना जरा ध्यान से मेरे दोस्तों, ठीक है? ज्ञान है ये वाला। अब ज्ञान को जरा ग्रहण करने के लिए अपने कान आँख नाक सब मेरी तरफ एकाग्रित कर दो, ठीक है? और अपने हाथ में मोबाइल वगैरह वो दूसरे दोस्त वो सबको छोड़ दो। जब हम मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो हम मार्केट से लोगों से पैसा लेते हैं। जब पैसा लेते हैं तो देयर कैन बी टू वेज टू टेक मनी। एक लमसम में पैसा दे दो जी, सारा पैसा एक साथ दे दो। हमने अच्छा, हम तो नहीं मानते आपकी कंपनी अच्छी नीयत नहीं, हम नहीं मानते भैया, तो क्या करना चाहते हो? वी वुड लाइक टू पे इन इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी का ठीक है, हमारी इंस्टॉलमेंट भी है, पहला एप्लीकेशन के टाइम पैसे भेजो, दूसरा जब हम शेयर अलॉट कर देंगे तब पैसे भेज देना, फिर उसके बाद कुछ पैसा बचेगा तो हम आपको कॉल करेंगे। मतलब ये नहीं कि आवाज मारेंगे शर्मा जी पैसे दो, गुप्ता जी पैसे दे दो, श्रीवास्तव जी पैसे दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा होगा मतलब आपके जितने शेयर्स हैं आपको एक लेटर चला जाएगा या मैसेज चला जाएगा, अपनी पेमेंट जमा करो, कॉल्स मनी जिसको बोलते हैं कॉल, वी विल कॉल यू। तो कॉल कैन बी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ कॉल आप ले सकते हो। तो जब हमने कंपनी ने आपको शेयर इशू करे, आपने अप्लाई किया, मैंने आपको शेयर अलॉट करे, आपसे पैसा मांगना शुरू किया, तो आपने कुछ पैसा दे दिया और बाकी पैसा आपने नहीं दिया, तो एक टाइम के बाद कंपनी हैज़ अ राइट टू फॉरफिट योर शेयर्स। कि कंपनी अपने रजिस्टर में से आपके शेयर्स आपके नाम से कैंसिल कर देगी। फॉरफिट मीन्स को इसमें हिंदी में बोलते हैं जब्त करना, ठीक है? देखो फॉरफिट का मीनिंग याद रखना, फॉरफिट जब्त करना। नुक्ता लगा दिया ज के नीचे, ठीक है? जब्त नहीं है, जब्त है। तो जब्त कर लिया हमने, तो हमने शेयर आपके जब्त कर लिए, अब हमारे हो गए ना। तो हमने अब इसको क्या किया, रीइशू कर दिया। अरे वाह, पिछले वाले पैसे वो भी अपने हो गए, वो कहाँ यूज होगा? वो यूज होगा जब हम इस दोबारा रीइशू के टाइम जब डिस्काउंट ऑफर करेंगे मार्केट में, क्योंकि पुरानी चीज है ना, लोग शायद ना खरीदें इमीडिएटली, तो उनको हमें लुभाना पड़ेगा, तो डिस्काउंट ऑन रीइशू देंगे तो पुराने वाले जो पैसे जब्त किए हैं उसमें से देते हैं। उसके बाद जो पैसा बच गया दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो मैं कितनी चीज़ बता दी आपको, मैंने इशू बता दिया, रीइशू बता दिया, फॉरफीचर बता दिया, कैपिटल रिजर्व बता दिया, अदर देन कैश बता दिया, विद लैमसम बता दिया। बस देखा जाए तो एक छोटा सा क्रक्स दिया इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में क्या 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 चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है? और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो चैनल पर बने रहना पड़ेगा। चैनल के अंदर एक बेल आइकन उसको दबा देना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। जितना चैनल आगे बढ़ेगा उतना ही मैं पढ़ाने के लिए और तत्पर रहूँगा, ठीक है ना? डेली के डेली कोशिश करके लेक्चर्स आएंगे, तो प्लीज़ डू नॉट मिस द क्लासेस। और अपने सभी दोस्तों को जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं सबको ये लेक्चर्स फॉरवर्ड करना, चाहे वो सीए के स्टूडेंट्स हों, सीएस के स्टूडेंट हों, बीकॉम के हों, एमकॉम के हों, एमबीए के हों, जहाँ जहाँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वहाँ वहाँ नितिन गोयल को पहुँचा दो, ठीक है? तो नितिन गोयल आपके साथ है, बस आपका साथ चाहिए। और प्लीज़ जाने से पहले मेरी फीस दे जाना, और दे दो तो नीचे कमेंट में लिख देना कि सर फीस जमा कर दी है, सब्सक्राइब कर दिया है, और हम इतने खुश हैं कि कुछ शायद सुपर थैंक्स भी हम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 1, जहां हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज एंड देयर ट्रीटमेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।